महिला पैसे जमा करने के लिए बैंक आने का नाटक करती है, फिर अपने बस से एक रिमोट कार निकाली, फिर उसे फर्श पर रख दिया। अब एक पैर से कूड़ेदान को खोलकर जब कर्मचारी उसे नहीं देख रहा था तो उसने रिमोट कार को कूड़ेदान के नीचे छुपा दिया। बैंक बंद होने के बाद जेनी ने खिलौने कार को रिमोट से कंट्रोल किया। निगरानी कैमरों से बचने के लिए वो कूड़ेदान को आगे बढ़ाने लगती है। बैंक में मौजूद मोशन सेंसर ने तुरंत अलार्म को पुलिस को भेज दिया। पुलिस को लगा कि किसी ने बैंक में धावा बोल दिया है। वे वहां के लिए जल्दी से दौड़ पड़े। पुलिस ने बैंक की ध्यान से जांच की लेकिन उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उन्हें लगा कि अलार्म खराब हो गया है, इसलिए वे वापस चले जाते हैं। जेनी और अन्य लोग बैंक के पीछे के दरवाजे को उपकरण की मदद से खोलने लगते हैं। उपकरण के कंपन से बैंक का अलार्म फिर बजने लगता है। पुलिस को फिर से बैंक वापस आना पड़ता है। जेनी और अन्य लोगों ने तुरंत पिछले दरवाजे का ताला बदल दिया। फिर उन्होंने दरवाजा बंद करने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। उन्होंने निशानों को मिटाने के लिए विशेष स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो जल्दी से वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ने बैंक के आगे पीछे सब जगह जांच की लेकिन उन्हें वहां कुछ भी समस्या नहीं मिली। इसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि अलार्म खराब हो गया है। पुलिस के जाने के बाद जेनी और बाकी लोग पीछे के दरवाजे से चुपचाप बैंक में घुस जाते हैं। अलार्म फिर बजा और पुलिस फिर आने लगती है। जेनी और अन्य लोगों पुलिस के आने के पहले लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करते हैं। वो लिफ्ट से बैंक की तिजोरी तक पहुंच जाते हैं।